हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मकर संक्रांति कल है 14 तारीख को, और ये वीडियो जो है मेरा बहुत लेट जाएगा, फिर भी आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कल मैं बरी बनाई थी, जो कि मेरा बरी ना आज बहुत हद तक सूख गया है। ये देखिए, कुछ कुछ खुद से निकल गया है। मैं बोल रही थी ना आप लोग को, जैसे कि ये जो टीन है, ऑयल आता है, तो इसमें क्या होता है कि खुद से निकल जाता है सूखते साथ ही। और साथ में मैं इसको लेकर जाऊंगी अभी, और कपड़ा को भी लेकर जाना है, क्योंकि आज मैं चावल का आटा बना रही थी पीठा के लिए। आज बनाएंगे हम लोग गुड़ पीठा, तो उसके लिए आज ही चावल का आटा बनाते हैं और आज ही पीठा बनाते हैं ना, इसीलिए मैं वो सब में बिजी रह गई। और मेरा कहीं देखिए पूरा ठंडा हो गया है, तो मैं अभी जाऊँगी इसको रख के फिर पीठा बनाने की तैयारी करूँगी। पहले इनके लिए चाय चढ़ानी है मुझे आज दिन भर, तो देखते हैं आद्या को लेकर कितना हद तक हो पाता है, पर कोशिश करेंगे बहुत सारा पीठा बनाने का। तो चलिए झटपट इसको लेकर चल जाता है नीचे, क्योंकि ठंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर मेरा बनकर तैयार हो गया इतना सारा चावल का आटा, देखिए 4 kg से ज़्यादा चावल मैंने भिंगाया था। और इसको देखिए, आजकल इसको कॉफ़ी पीने का बड़ी शौक चढ़ा है, कल तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि इसको रोज़ रोज़ पीना है, आज भी बनाई है अपने लिए, पर मुझे पूछी तक नहीं कि मामा आपको पीना है कि नहीं पीना है। बनाने से पहले, बनाने के बाद तो दी थी हमको एक बार, पर बनाने से पहले एक बार पूछी तक नहीं। और इस बार ना मैं सोच रही थी बरी इतना हल्का नहीं होगा, क्योंकि पुराना वाला उरद था जो हम लोग का डेली दुकान से मिलता है, पर बहुत हल्का हुआ है, जो खुद से ही निकल गया है ना, और खुद गिर के भी टूट गया, देखिए ये। और बहुत सारा ऐसा है कि सूखा नहीं है, तो ये सब कल दिन भर का धूप में पूरा सूख जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको, ये महारानी को देखिए कैसे बेड पर सो सो के सू पहन रही है। रोज़ शाम का ड्यूटी है उसके पापा का, कि जब भी वो आते हैं ड्यूटी से एक चक्कर लेके घूमते हैं उसको, मतलब उसको टहलाने का काम, ताकि वो रात भर अच्छे से सोए और बदमाशी ना करे। ऐसे में 12 बजे नींद आ जाता है। पा ए हे ए की है बेटा, हैं छ खुल दियो, जाओ बेटा खुल दियो, बढ़िया ही जी डाकी के और देखेला। हां चलो जाओ चेंज करके सो रास्ता। हां खाना, हां खाना थोड़ा चढ़ा देख के चलो। हां पापा हाथ धर के चलो बेटा, पापा फिंगर धरो। हां मामा, मामा भी ओके। हम डाको डाको हमा के जोर हमा गुड़ा को अम्मा गाड़ी। मैं तिल को भून कर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसका लड्डू बनेगा। और मेरे हस्बैंड के साथ ही अक्सर हर बार हम लोग गुड़ पीठा बनाते हैं, तो वो गए हैं लॉन्ड्री कपड़ा पहुँचाने, आने के बाद ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अकेले संभव है, पर क्या है कि आद्या कभी दौड़ के आ जाएगी और कभी उसके पीछे भागना पड़ेगा और ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा। ये जो पीठा गुड़ पीठा होता है ना, उसको केयरफुली करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया और हर बार उन्हीं के साथ ही बनाती हूँ। और भावना ये है कि हम साथ में बहुत अच्छा पीठा बनाते हैं। अच्छे से भून रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटी तो जरूर ना जरूर दुर्घटना घटी। देखिए थोड़ा बात करते करते ही कलर इसका नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, लड्डू जो है अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए एकदम लो फ्लेम में, क्योंकि मेरा कढ़ाई पतला है ना, तो इसीलिए मुझे अच्छे से भूनना पड़ रहा है। इसमें से खुशबू निकलेगा, जो हम लोग का छिलका वाला तिल होते हैं ना, उसमें ज़्यादा खुशबू रहता है। और ये मशीन में शायद इसका छिलका निकालते हैं, जिस वजह से इसका खुशबू भी छिलका के साथ ही निकल जाता है, और इतना टेस्टी नहीं लगता है जितना कि छिलका वाला तिल में लगता है। নন্দিনী কে দিবে, হ্যাঁ তুমি একটু টেস্ট করো করো, হ্যাঁ দাও, আমি ধরেছি তুমি উঠো, নন্দিনী কে দাও, যাও। ইয়ামি হয়েছে বেটা, কেমন হয়েছে? না তো বহুত মিষ্টি, বহুত মিষ্টি, উঠো খাতি নেই আনোনি আনোনি, এই যে এইটা নন্দিনী কে দিয়ে সেটা রাখো, রাখি দাও, হ্যাঁ উঠো উঠো, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, ঠিয়া হও বেটা, ঠিয়াই যাও, উঠো ঠিয়া হও ঠিয়া হও, যাও নন্দিনী কে দেখি আসো, যাও নন্দিনী কে দিয়ে আসো, যাও এটা 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 এটা, আচ্ছা ডসে এসে জোড়া ধরছি, আচ্ছা যাও তাহলে ওইটা তো দেখি এসো, যাও আর তুমি খাবে, যাও হাই সোয়া ভাবুচি অলগা অলগা টেস্ট, যাও বেটা নন্দিনী কে দেখি এসো, দিদু কে দেখি এসো, যাও যাও, হ্যাঁ উঠো
ना आओ नहीं आओ नहीं सब गोन के नहीं बेटा समस्त खाइबे ना नंदिनी के दी जाओ डाकी रे की जाओ नंदिनी को डाकी की जाओ हां मु बंद कर दउची जाओ मोबाइल हां पापा मोबाइल बंद कर दउची जाओ बेटा जाओ नंदिनी को आवाज दियो आवाज दियो नंदिनी को डाको नंदिनी जाओ एकने पड़छे जाओ ए भी करूची जाओ ए भी करछे जाओ ड्राइंग रूम में जाओ जाओ दी आसो जाओ 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 जल्दी जाओ जाओ ड्राइंग रूम में अच्छे जाओ हम लोग का एकदम बढ़िया सा लड्डू बनकर तैयार हो गया। ये मेरी बेटी का कहना है, अभी हम लोग टेस्ट नहीं किए हैं क्योंकि बनाते बनाते ना मेरी सास माँ का कहना है कि जो बनाता है बनाते टाइम खाता है ना वो चीज़ गड़बड़ हो जाता है। तो ये मुझे जीत कर रहा कि तो तुम एक खा लो, मैंने खा ली बन जाने के बाद ही, अभी मैं खा सकती हूँ। अब ये हो जाने के बाद हम लोग अभी करेंगे गुड़ पीठा की तैयारी। बस मैं गुड़ पर चढ़ा रखी हूँ उसी कढ़ाई में, क्योंकि गुड़ का ही काम है। मैं चावल का आटा लेकर आती हूँ, ये सब तक गुड़ पर पाटते रहें। इनको बोली थी मकर दिन से पहले नॉनवेज नहीं आएगा घर पर इनको ना क्या चिकन वाला जो है बुलाकर चिकन दिया कि सर थोड़ा सा हाँ आपकी बेटी खाना चाह रही होगी थोड़ा सा लेके जाइए, तो कम करके लेके आए हैं क्योंकि मैं फूलगोभी का सब्जी बना कर रखी थी कि मुझे आज रात को पीठा वगैरह बनाना है नहीं हो पाएगा। तो वो बोले तुमको कुछ करना नहीं है, मैं सारा कुछ अपना करूँगा, तो वो कर भी रहे हैं और मुझे करने भी नहीं दे रहे हैं। बस मैंने खाली पेन चढ़ाया है यहाँ पर और ये होकर साइड होगा, फिर जाके मैं पीठा छानने के लिए जाऊँगी। वो अपना चिकन को बस फ्राई करके ले जा रहे हैं बच्चों के लिए भी टेस्ट कराने के लिए। आज हम लोग डिसाइड कर लिए कि मुड़ी ही खाएंगे क्योंकि ये मेरा बनते बनते ना लेट हो जाएगा, अभी 9 पार कर चुका है और मैं यहाँ पर छानना शुरू कर दी हूँ। जैसे ही उधर बन चुका है तो फिर लेट क्यों करना, तो इस तरह से पूरा लाल लाल करके। आज सब पीठे यहाँ तक रेडी किए हम लोग, इतना बस बनाए और यहाँ पर जो डो है ना उसको रख दिए। ये अभी महीना भर भी आप फ्रिज में रख के यूज कर सकते हो, यही सोचकर मैंने रख लिया क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे कर चुकी हूँ कि जब एक साथ नहीं हो पाता है ना बना बना के थक जाती हूँ, और गर्मा गर्म खाने का भी मजा कुछ अलग हिस्सा ही होता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा चलो भाई इसको रख देते हैं, जब गर्मा गर्म फिर खाने का मन करेगा फिर तलेंगे। ये मकर का हो जाएगा बस, तो वो तो हो गया। और ये है फिर कल सुबह की तैयारी, उरद है और चावल, इसको भिंगो कर रखूंगी, कल फिर पीठा बनेगा क्योंकि मकर है मतलब पीठा का भंडार होना चाहिए। मैं आप लोगों को बोली थी इस बार मैं चावल का आटा भी बहुत सारा बनाई हूँ ताकि हम लोग वैरायटी पीठा करें। तो मैं आप लोग को ना दिखाऊंगी कि कल हम लोग क्या क्या पीठा करें, पर इतना पीठा बनाने के बाद ना क्या खा रहे हैं। मेरा दोनों का मुढ़ी निकाले हैं और ये है जो भुना हुआ चिकन, हम लोग ऐसे ही भुना हुआ खा लिए थे पर ये मुढ़ी के लिए थोड़ा सा गर्म करके अभी लाई हूँ। और कुछ सब्जी नहीं बना पाई झटपट में, खाली फूलगोभी आलू को इस तरह से फ्राई कर दी और कुछ नहीं, एक फ्राई तो नहीं बोलेंगे ऐसे ही बन गया जो कि मुढ़ी खाने लायक। और दोपहर की थोड़ी सी खिचड़ी भी बची हुई है, देखते हैं अगर खाने का मन करेगा वो भी खा लूंगी। रात का 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं बैठे बैठे यहाँ पर ये तीसरा पीठा खा चुकी हूँ और ये मुझे खाने नहीं दे रही है। ये हो जाने से बस मेरा हो जाएगा आज का, और आज नहीं बचपन से ही मेरा यही आदत है। मेरी माँ हम लोग को डिनर कराने के बाद ही ना पीठा वगैरह बनाती थी और तब तक मैं नहीं सोऊंगी जब तक मैं 2-3 पीठा खा ना लूँ, भले उस दिन रोटी वगैरह नहीं खाती थी। और आज है कि हम दोनों मिलकर बनाए हैं पीठा पीठा पीठा, और नींद तो बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि दिन भर जो है एकदम से रेस्ट नहीं हुआ है। मन कर रहा है अभी का अभी सो जाऊं, पाँव सब भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पर इसको देखिए इसका भी सवेरा हुआ है, ये भी एकदम गुड नाइट करो सबको। हाँ इसका बाल सब कैसे दिख रहा है ना, बहुत जल्द इसको मुंडन कराएंगे पर एक अच्छा दिन देख। मेरे मायके में कल मकर संक्रांति मना रहे हैं और मेरे ससुराल में परसों, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई मैं किसकी बात में चलूं, क्योंकि हर त्यौहार का हम लोग का दो दिन डिवाइड हो जाता है, कुछ बंगाल का नियम का कुछ उड़ीसा का नियम का, तो इसी वजह से ना कभी अपना कल्चर से अलग कल्चर में शादी नहीं करना चाहिए ताकि आप जो बचपन से सीखते आए हो उसको आपको चेंज ना करना पड़े। एग्री कि नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और मैं क्या करूँ मुझे ये भी बताइएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तो आज के लिए टेक केयर, बाय 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 करो बेटा, बाय कर दो बाय।